और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का जो मैदानी जंग से आ रही है। खार्किव में रूसी सेना ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस ने अटैक किया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस ने बारूद बरसाया है। रूस ने जंग की रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब खुद को खार्किव में केंद्रित किया है और रूसी सेना यहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में रूस का हमला बेवजह नहीं है। यहां पिछले कई दिनों से दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। खबर आई थी कि यूक्रेन ने यहां रूसी सेना को पीछे धकेल दिया था। खार्किव में मिले इस झटके से उबरने के लिए अब पुतिन की सेना यहां दिन रात बारूद बरसा रही है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव प्रांत में रूसी सेना के जोरदार हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रशियन आर्मी के दो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर तूफानी हमला करते दिख रहे हैं। रूस सेना की ओर से की गई इस ताबड़तोड़ फायरिंग में महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही दो दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे गए। रूस डोनबास के साथ साथ खार्किव में भी निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। शुरुआती दौर में यूक्रेनी सेना ने रूस को बॉर्डर तक खदेड़ दिया था। रूस को डर है कि अगर यूक्रेनी सेना रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई तो यूक्रेन रूस पर भी हमला बोल देगा। यूक्रेन को बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने के लिए रूस ने खार्किव को दहलाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें खार्किव में ही सीमित किया जा सके। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।